हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन के पेरेंट्स, थर्ड पार्टी जिनके केस में पेरेंट्स हैं, वो लोग की क्या सिचुएशन है, क्या सोच रहे हैं आपको लेके, क्या कर रहे हैं, वो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मुझे प्रॉब्लम बहुत लोगों के, जितने भी वो रीडिंग आती है, मुझे 50% केस ऐसे होते हैं जो मोस्टली उनके पेरेंट्स ना बोल रहे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि पेरेंट्स को शादी करनी है कि बच्चे को शादी करनी है। अगर बच्चा रेडी है शादी करने के लिए तो उसको डिसीजन लेने दो ना भाई। वो 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का, 35 साल का हो गया तो भी डिसीजन नहीं ले सकता है क्या अपना? खाली माँ बाप ही डिसीजन लेते हैं सब चीज़, उनको ही राइट लगती है हमेशा। बाद में वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर देते हैं जब उनकी पेरेंट्स, और जब वो रॉन्ग डिसीजन हो जाता है तो तुम्हारी तकदीर। और जब वो बच्चा डिसीजन लेता है, उसकी लाइफ में रॉन्ग डिसीजन हो गया तो हमने तो मना किया था, हमने तो ये किया था, सपोर्ट नहीं करते। ये बहुत अजीब बात है मुझे। खुद डिसीजन लेंगे तब रॉन्ग हो गया तब तो ठीक है, अदरवाइज़ तुमने डिसीजन लिया था तुमने रॉन्ग है। अभी तो देखते हैं हमें उनके पेरेंट्स के क्या चल रही है, क्या कंडीशनिंग चल रही है, क्या सोच रहे हैं आपके लेके। देखो, उनके क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है तो उनके, मुझे ऐसे लग रहा है उनके पेरेंट्स अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में, बहुत पूजा पाठ कुछ ना कुछ ऐसे देख रहे हैं, मछलियों को दाना देते हुए दिखाई दे रहा है ये पर्सन। तो हो सकता है आप भी ऐसा कुछ काम कर रहे होंगे। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपका किया हुआ गुड वर्क ना रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि मछली को दाना देना या डॉग्स को खाना खिलाना, जब हम इन जीवों को गॉड ने क्यों आपको इतना उनका गुड कर्मा लिखा है, क्योंकि इनको कोई खाना खिलाने वाला नहीं है या कुछ करने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हम जो लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, कमा सकते हैं, वो लोग उनकी मदद करते हैं तो गॉड हमको उसका रिटर्न में गुड करवा देते हैं। क्योंकि बर्ड्स वैसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जाना पड़ता है कभी खाने के लिए, अगर हम उनके खाना नहीं रखेंगे तो उनको खाना कैसे मिलेगा। डॉग्स भी ऐसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको खाना नहीं देंगे तो कैसे मिलेगा। इसीलिए इनका हमको किया हुआ बहुत अच्छा रिटर्न फल मिलता है। तो हो सकता है उनके पेरेंट्स भी ये कर रहे हो, आपके पर्सन ऐसे कुछ कुछ ना कुछ गुड एक्टिविटीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कर लगे हुए, उसका रिजल्ट मुझे लग रहा है कि अच्छा आएगा ऐसे। अभी धर्मा विलाल बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है ना, शादी की बात चल रही है या कुछ मेडिटेशन योगा भी चल रहा है, तो आई डोंट नो आपके पर्सन कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स लोगों को भी कुछ मेडिटेशन करेंगे तो आई डोंट नो। लेकिन इसमें देख रहे पर्सन योगा भी कर रहा है, लेकिन ये हेरोफेंट कार्ड है। तो हेरोफेंट कार्ड कभी भी होता है कि इंसान शादी के लिए कुछ सोचना या डिस्कशन करना या कुछ बातचीत करना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके एक शादी को लेके एक बैलेंसिंग सिचुएशन घर में आ रही, मतलब एक बातचीत में देखें बैलेंस दिख रहे, दोनों हाथ से बैलेंस करके रखे और यहाँ पे बच्चे लोग भी बैलेंस करके रखे, तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग डेफिनेटली आ रही है। एक शादी को लेकर एक डिसीजन पर डेफिनेटली एक बैलेंसिंग आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि उनके पेरेंट्स को मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें, जैसे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एक उनको मनी तो डेफिनेटली उनको एक फैक्टर रहा होगा आपके बीच में, एक स्टेटस मनी या जात पात कुछ ना कुछ मटीरियलिस्टिक फैक्टर जो 3D लेवल का फैक्टर है, वो चीज़ डेफिनेटली आप लोगों के बीच में रही होगी। ऐसा नहीं कि नहीं रही होगी, मुझे ऐसा लगता है मेन रीज़न। या किसी के केस में चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं कि बच्चा नहीं है, अगर आप लोग मैरिड है बच्चा नहीं हो रहा है तो वो भी एक इशू बन गया था आप लोगों के केस में, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन उनके पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है कि ये फ्रूट्स ऐसे के ऐसे लटके हुए रह जाएंगे, ये धन ऐसा के ऐसा बॉक्स में पड़ा रह जाएगा, सब चीज़ ऐसे की ऐसी रह जाएगी। अगर बच्चे के दिल में खुशी नहीं है, आपके पर्सन की खुशी कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है, या वो एकदम बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा उनको आपके सेपरेशन की वजह से एडिक्शन इश्यूज़ में चले गए हैं, आपके सेपरेशन की वजह से वो गलत आदतों में पड़ रहे हैं और ये उनके बच्चे ख़राब हो रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है। अगर सपोज आप लोग मैरिड है, आपको बच्चे से अलग कर दिया गया, तो उनके बच्चे अनाज जैसे जी रहे हैं, समझ रहे हैं, सॉरी टू यूज़ दैट काइंड ऑफ वर्ड, लेकिन उनको ऐसे समझ में आ रहा है कि इनके पेरेंट्स के हम लोग दो पर्सन को सेपरेट कर रहे हैं, तो ये धन, ये स्टेटस, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये जात पात कुछ भी काम नहीं आएगी, मतलब कुछ बेमानी एकदम। क्योंकि वो इंसान जो एकदम उदास पड़े हैं, एडिक्शन में पड़े हैं, उनकी ज़िंदगी अपने हाथों से अपने बच्चों की ख़राब कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आपके पर्सन के पेरेंट्स को समझ में आ रही है कि ये सब जो डिफरेंस है ना, ये अरे पैसा है, ये लड़का ऐसा है, ये लड़की बहुत तेज है या ऐसा है, जब कंडीशन ऐसी हो जाएंगी आपके बच्चे की तब क्या करोगे आप? लाइफ टर्म कौन काम आएगा? अगर सोचो उनके बच्चों की, बच्चों की माँ है या बाप है, उनको आपको से दूर कर दिया गया तो उनको कौन संभालेगा, ये चीज़ कौन समझेगा? क्योंकि वो कितने दिन रहेंगे उनके पेरेंट्स, बाद में तो लाइफ टाइम आपको आपके पार्टनर को ही साथ में जीना है कि नहीं जीना है, साथ में आप लोगों को ही लाइफ बितानी है,
तो अगर आज वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, 50s में, 60s में, या 70s में, मान लो 70s में, 60s में भी है, तो वो अभी स्ट्रांग पोजीशन में, नेक्स्ट 5 to 7 years में जब उनकी हेल्थ डिटोरिएट होने लग जाएंगे, वो ओल्ड एज पहुंच जाएंगे, तो आपके पर्सन को कौन संभालेगा? क्या उन्होंने सोचा इस बारे में? वो अभी उनके दिमाग में आ रहा है कि उनके बाद में कौन संभाल सकता है, मतलब समझ रहे हो? 8 of Wands, ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में घूम रही है, बहुत सारी चीज़ें। देखो, जिस बच्चों को भी हाथ में लेके रखे, तो उनको लग रहा है कि ये जो वो फाइट्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये आपका कम्युनिकेशन उनसे बंद करवा के रखे हैं, तो इसमें उनके बच्चे की कंडीशन क्या हो रही है, वो किस दर्द से गुजर रहा है या गुजर रही है, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। तो ये सब चीज़ उनके दिमाग में बहुत सारी घूम रही है, और बहुत फास्ट फास्ट आ रही है सब चीज़ें, पहले जो नहीं आती थी, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं आती थी, तो अभी वो सोच रहे हैं कि ये रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए 2 of Cups, आप दोनों को, आपके बच्चे को सपोज उन्होंने आपके मिलने नहीं दे रहे, आपके पार्टनर को आपसे मिलने नहीं दे रहे, तो वो अभी वो सोच रहे हैं कि मिलने दे, आपसे बातचीत करने दे, एक कम्युनिकेशन करने दे आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों वो चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं इस बारे में कि आप दोनों का एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो उन्होंने बहुत दिनों से स्टॉप कर रखा है, कम्युनिकेशन है और आपके वहाँ से झगड़ा ही हो रहा था, तो वो एक कम्युनिकेशन में एक सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है, एक कम्युनिकेशन में एक प्यार भरी बातें लाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसे लग रहा है। कुछ लोगों के कैसे मुझे बच्चे बहुत दिखाई दे रहे, तो बच्चे आप लोग का मेन फैक्टर बनेंगे आपको क्लोज लाने के लिए, और कुछ लोगों के केसेस में उनके पेरेंट्स ही उनको बोलेंगे, प्रोत्साहन करेंगे मिलने के लिए। मुझे लग रहा है आप तो अपने सिंगल हो, आप अपने खुशी से बैठे हो, शांति से बैठे हो, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, या अपना काम कर रहे हो, या अपनी बुक्स पढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने आप में एक सिंगल हो, अबंडेंट हो, अपना इंजॉय कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन उनके पेरेंट्स के ऊपर डेफिनेटली किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है, तो उन्होंने बहुत सारी जगह, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा उन्होंने धर्म कर्म के काम में उनके पेरेंट्स जुड़े होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उनको बहुत लोगों से बहुत नॉलेज मिला भी होगा, उनको लोगों को बोले होंगे कि आप बच्चे पे इतना प्रेशराइज करोगे, बाद में आगे चल के सपोज़ कोई गलत लड़का या लड़की आ गए आपके बच्चे की लाइफ में, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फिर वो आपसे जितना भी आपका कर रहे हैं बाद में, वो और भी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे आपकी, आपको ही ब्लेम करेंगे। इससे अच्छा बच्चा अपना डिसीजन खुद लेता है, उसके लाइफ में कुछ भी होता है तो उसका डिसीजन है, और उनको समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए एक राइट पार्टनर हो, क्योंकि आप एक स्ट्रांग पर्सन हो, जो भी हो, मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, आप बहुत अबंडेंट हो, आप बहुत हर चीज़ में अबंडेंट हो, मतलब चाहे लुक्स में आप अच्छे दिखते हो, चाहे आप अपनी कैपेबिलिटी जो काम करते हो उसमें बहुत अच्छे हो, आप उनके पर्सन को संभाल सकते हो, ये उनको समझ में आ रहा है कि आप उनके बच्चे को लाइफ टाइम एक प्यार दे सकते हो, जो इसमें दिख रहा है लव कितना दिख रहा है, प्यार दे सकते हो, एक संभाल सकते हो, और एक एक एनर्जी है आपके अंदर, स्ट्रांग एनर्जी है जो लाइफ टाइम उनका साथ देगी, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है कि आप कितनी, आपकी जो अबेंडेंस थे पहले उनको समझ में नहीं आ रही थी कि आपके गुण क्या थे, वो समझ में नहीं आ रहे, अब उनको समझ में आ रहा है कि ये जो बहुत सारे लोगों से उनको ज्ञान तो मिल रहा है उनके पेरेंट्स को, कि आज वो पर्सन इतको हर सिचुएशन में आपके पर्सन अपने बेटे का, आपके बेटा या बेटी जो भी है उसका साथ देने को तैयार है, तो ऐसा बच्चा आपको मिलेगा क्या, ऐसे लड़का या लड़की आपको मिलेगा क्या जो हर सिचुएशन में आपके बच्चे का साथ दे रहा है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अरेंज मैरिज बहुत देखे, फाइट्स हो जाती है, इंसान के मैच नहीं होते, लव मैरिज होती है उसमें भी हो जाता है, मैंने कितने लव मैरिजेस में भी देखा है कि है ना फाइट्स होके अलग हो जाते हैं, अगर ना उनके पेरेंट्स की तरफ से कुछ रुकावट नहीं होती तो भी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, ऐसे जब उनसे पेरेंट्स रुकावट क्रिएट करते हैं या और कोई रुकावट क्रिएट करता है, फिर शादी होती है तो एक्सपेक्टेशंस कम होती है, समझ रहे हो? तो इसमें क्या, इंसान पहले दिमाग से ही आता है कि हाँ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है, मुझे ऐसे चलना है, तो वो एक माइंड सेट हो जाता है कि नहीं मुझे शादी को निभाना है, समझ रहे हो? तो वो चीज़ हो जाती है। तो आपके पर्सन के पेरेंट्स लोगों को मुझे ऐसा लगा काफ़ी विजडम आ रहा है अभी, विजडम, क्योंकि जब विजडम नहीं होता ना इंसान ऐसे ऐसे डिसीजन लेता है, और कर्मा भी क्लियर होने लग जाता है, जैसे जैसे आपके कर्मा क्लियर होने में, गुड कर्मा, आपके गुड कर्मा यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो भी गुड कर्मा आपने किया है लाइफ टाइम में, किसी की हेल्प करना, मतलब इसमें किसी की हेल्प करना है बेसिकली, आपने बहुत लोगों की हेल्प की होगी मुझे ऐसे लग रहा है, तो वही गुड कर्मा अभी आपका हेल्प कर रहा है आपके पर्सन के पेरेंट्स को रियलाइज़ कराने में, आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी अर्निंग पावर, आपकी संभालने की शक्ति, एक मदरली आपका नेचर, जो आप ना मदरली है ना उनका पर्सन का ध्यान रखते हो, वो कोई और नहीं कर सकता है, वो उनको समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ समझ में आनी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है कि आप एक मदरली फिगर के जैसे उनको प्यार भी दोगे, आप उनको एक बोलते हैं ना एक सपोर्ट सिस्टम दोगे, कैसी भी कंडीशन उनकी लाइफ में हो, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ें लाइफ में हो चाहे ना, तो भी आप सपोर्ट करोगे, ऐसे भी उनको लगता है।
कभी भी कोई भी सिचुएशन, कैसी भी की सिचुएशन होगी, हालत ख़राब होगी उनकी, लेकिन वो आप उनका साथ कभी भी छोड़ोगे नहीं, ये चीज़ उनके पेरेंट्स को समझ में आ रहा है। और शायद मुझे लगता है कुछ लोगों के केस में कम्युनिकेशन आ सकता है या कम्युनिकेशन उनको मिल सकता है, मुझे ऐसे बहुत पॉसिबिलिटी लगता है। देखो रिसेप्टिविटी, पेशेंस, हाँ आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों के केस में अभी साइलेंट हो आपके पर्सन, आपको लग रहा है कि यार ये तो वहाँ से बहुत साइलेंट है, क्योंकि कभी कभी नमिंग इफेक्ट भी होता है, क्योंकि सामने वाले को रियलाइजेशन होता है तो उनके पेरेंट्स उनके घर में एक ना नमिंग इफेक्ट हो जाता है, समझ लो, नमिंग मतलब इंसान अपने आप को समझ में नहीं आता कि इस वक्त कैसे कैसे रिएक्ट करे या कैसे एक्शन ले, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। रिसेप्टिविटी आ रही है, आप एक रिसीविंग मोड में आ रहे हो, रिसेप्टिविटी आप जो अभी टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन कर रहे हो उनसे, वो भी आपका रिस्पॉन्ड होगा, आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं मिलेगा, एक रिसेप्टिविटी डेफिनेटली हो रही है आपके रिलेशनशिप में। आपका पेशेंस बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप अबंडेंट पर्सन हो, उनके आपको सारे गुण दिखाई दे रहे जो पहले दिखते नहीं थे, मतलब थोड़ा 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 बढ़ते 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 होते सारे गुण उनको आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स को आपके दिखाई देने लगे कि आप एक अबंडेंट पर्सन हो, आप एक मदरली फिगर हो या फादरली फिगर हो, जो भी उनके बच्चे को उनको लाइफ टाइम सपोर्ट करेंगे, लव देंगे, एक स्ट्रेंथ दोगे जो आपके पास है, पेशेंस की स्ट्रेंथ भी आपके पास, आपके पेशेंस उन्होंने टेस्ट किए कि आपने कितना पेशेंस रखा इतने साल में, तो उनके बच्चे को ग्राउंडिंग एनर्जी आप दे सकते हो और संभाल सकते हो। और आप एक बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन हो, ये भी उनको समझ में आ रहा है, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग आपकी जो नेचर है वो भी समझ में आ रही हो, और वो भी अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, उनके लिए शायद अभी एट प्रेजेंट उनके लिए भले ही कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो, लेकिन स्लोली दे विल रियलाइज, उनको समझ में आएगा कि इट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ देयर लाइफ, कि उन्होंने सबसे अच्छा डिसीजन लिया अपनी लाइफ का, ये चीज़ उनको समझ में आएगी मुझे लगता है उनके पेरेंट्स को। अभी भले ही थोड़ा स्टार्टिंग में इंसान होता है, फर्स्ट स्टेप लेना होता है, तब उनको लग रहा है मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ या कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ हमारे बच्चे के लिए, ऐसे सर के चलते हैं, लेकिन बाद में उनको लगता है कि हाँ कि ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया हमने। गो द डिस्टेंस में बार बार बोल रही हूँ, आपका कार्ड आ रहा है गो द डिस्टेंस, आप वेरी नियर टू द डिस्टेंस हो, बहुत आपके पर्सन एक मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हो और छलांग लगाने को तैयार है, ऐसा नहीं कि छलांग लगाने को तैयार नहीं, और अपने आपकी मंजिल तक पहुँचने के लिए आप तैयार हो। पीसफुल रिजोल्यूशन मुझे होते हुए दिख रहा है, पीस दिखाई दे रहा है, तो आपका एक रिजोल्यूशन आपका जो ये होगा ना आप लोगों का रीयूनियन बहुत पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। और अनफिनिश सिम्फनी मतलब जो भी आपका अनफिनिश वर्क है, अनफिनिश बातें हैं आप लोगों के बीच में, जो अनफिनिश चीज़ें रह गई थी अब वो फिनिश होगी, जो 10 नंबर का कार्ड भी है तो ये एक फिनिश, और 23 नंबर 5 नंबर एक चेंज का कार्ड भी रिप्रेजेंट करता है, तो अनफिनिश सिम्फनी आप दोनों के बीच में है वो होगी। और एक सीरेंडिपिटी का कार्ड है, देखो जितनी बार भी मैं ट्रू लव कार्ड रीडिंग में करती हूँ उसमें सीरेंडिपिटी का आता है, इसमें भी सीरेंडिपिटी का कार्ड आता है। सीरेंडिपिटी मतलब आप अपनी मंजिल तक बहुत क्लोज हो, आपको दिखाई नहीं देता है, समझ उसमें लेकिन आप पहुंचने वाले हो अपनी मंजिल पे, तो आपके पर्सन और आप उड़ रहे हो अभी, उस उड़ने में मंजिल तक पहुंच रहे हो कि आपको दिख नहीं रही है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। तो बहुत वेरी वेरी क्लोज आप बोल सकते हो, उनके पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा ऐसे बोल सकते हो एक रियलाइजेशन है इस चीज़ का, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके कि उनको आपने बहुत पेशेंस रखी है और बहुत पेशेंस का आपका फल, पेशेंस का वो फ्रूट मिलता है धीरे मिलता है, सब्र का फल मिलता है तो बहुत अच्छा होता है, ऐसे बात वो बात हो रही है। तो एक्सपेक्टेशंस उनके जो थी वो डेफिनेटली एक फॉल्स पर्सन की उन्होंने एक्सपेक्टेशन रख के रखी थी उनके पेरेंट्स ने, कि एक जो वो फॉल्स पर्सन की एक्सपेक्टेशन को उतर रही हूँ, उनको समझ में आ रहा है कि वो एक बहुत एक ऐसे पर्सन की एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे के लिए कर रहे थे जो शायद दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इस तरह की एक्सपेक्टेशन उन्होंने कर ली थी, तो वो उनके मास्क उतर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन वो कर रहे हैं वो सारी चीज़ आपके अंदर है, तो एक आध चीज़ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। और मुझे लग रहा है जूडी दीक्षा ने कार्ड है तो मुझे लग रहा है एक सॉल्यूशन, जूडी दीक्षा में क्या एक काउंसलर जैसे, तो कोई ना कोई बीच में बैठ कर उनको समझा रहा है उनके पेरेंट्स को, या उनके आपके पर्सन ही उनको समझा रहे होंगे, क्योंकि उनके आपके पर्सन भी उनको तो वो सुन रहे हैं उनकी बातें, ऐसा नहीं सुन रहे, तो एक कोई ना कोई काउंसलिंग है आपके पर्सन की तरफ से, कोई उनको समझा रहा है उनके पेरेंट्स को, तो ये ना उनको जैसे विजडम इसमें भी आ रहा है, कुछ ना कुछ विजडम आ रहा है, कोई ना कोई समझा रहा है, तो कोई ना कोई समझा तो रहा है डेफिनेटली, तो किसी के समझाने का असर डेफिनेटली पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि समझाने का असर नहीं पड़ रहा है। हो फ्रेंड्स आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।